Now we'll discuss the prefrontal cortex. Prefrontal cortex. ये जो prefrontal cortex है, इसको broadband area number दिया जाता है 9 to 12. अब ये जो prefrontal cortex है, ये prefrontal cortex जो area frontal lobe का बच गया, मतलब ये जो आपका फ्रंटल लोब था, इस फ्रंटल लोब में ये सेंट्रल सल्कस के आगे का एरिया है, इसमें हमने यहाँ बना दिया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, यहाँ हमने देखा प्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो अब एरिया बच गया, ये हो गया फ्रंटल आई फील्ड। इसके बाद अब हमारे पास एरिया कौन कौन सा बच गया, तो हमारे पास ये वाला एरिया बच गया, ये एरिया बच गया, और यहां पे थोड़ा सा हम ऑक्यूपाई देखेंगे अभी ब्रोकास एरिया का, बाकी ये भी बच गया, प्लस इसका ऑर्बिटल सरफेस। तो ये जो एरिया रिमेनिंग है, ये सारा एरिया क्या कहलाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और इन मोर स्पेसिफिक टर्म यू कैन सी दैट द एरिया विच इज नियर द फ्रंटल पोल, फ्रंटल पोल एरिया एडजेसेंट टू द फ्रंटल पोल इज बेसिकली नोन एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसको आप ब्रॉडली दो जगह पढ़ोगे, एक तो ये जो लैटरल सरफेस पे दिख रहा है ये वाला, सो दिस इज नोन एज डॉर्सो लैटरल पार्ट ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर, जो डॉर्सोलैटरल सरफेस पे ये वाला जो एरिया है एडजेसेंट टू द फ्रंटल पोल, और दूसरा इसी का जो दूसरा एरिया जो इंफीरियर सरफेस पे है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटो फ्रंटल, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो फ्रंटल लोब के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है, उस रिमेनिंग पोर्शन को हमने नाम दिया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन 9 टू 12 एरियाज, एरिया नंबर 9, 10, 11, 12। तो जो ऑर्बिटल सरफेस पे है टुवर्ड्स द इंफीरियर सरफेस, ये वाला एरिया कहलाता है 12 नंबर का। अगर कोई आपको पूछे कि वेयर इज द ब्रॉडमैन एरिया नंबर 12, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है, लेकिन हमें कहाँ मिलता है, ऑर्बिटल सरफेस पे, यानी इंफीरियर सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब पे, और इट इज नोन एज ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के लिए आपको एक बात ही जाननी जरूरी है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे हमें कनेक्शंस मिलते हैं थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, इनके साथ इसके कनेक्शंस हैं, प्लस अदर कॉर्टिकल एरियाज एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो कनेक्शंस हैं, इन कनेक्शंस में ये जो लिम्बिक सिस्टम है, इसका मेन कनेक्शन है ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ। ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब ये जो इंफीरियर सरफेस है ब्रेन की, जो ऑर्बिटल प्लेट के एडजेसेंट है। सो ये जो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये बेसिकली लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहे, इसलिए इसका मेन कंसर्न क्या है, इट विल कंसर्न विद द इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, इमोशन एंड बिहेवियर, उसके अंदर जो मोटर कॉम्पोनेंट है वो इसका फंक्शन है, ठीक है। यानी अगर इस ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में, यानी इस नीचे वाले पार्ट में, ये सरफेस पे इंजरी हो जाए, ये किसी भी वजह से अगर ये ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए, एरिया नंबर 12 अगर डैमेज हो जाए, तो पेशेंट क्या करेगा, वो एंटी सोशल हो जाता है, उसका इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाता है। बिहेवियर कैसा हो जाता है, इन अप्रोप्रिएट मतलब क्या हुआ कि वो वल्गर हो जाता है, उसकी लैंग्वेज वल्गैरिटी की तरफ चली जाती है, वो इररेस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, अगर इसका फंक्शन आप मेनली देखोगे, तो वो क्या है, इमोशनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड है, बिकॉज ये लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्शन लेता है।
तो अगर इस वाले पार्ट में डैमेज होता है तो वो इंडिविजुअल इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, वल्गैरिटी आ गई, वो एंटी सोशल हो जाता है, ठीक है। ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी जो ये एरिया है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, इसका जो मेन काम है, वो जो मेन काम है दैट इज नोन एज वर्किंग मेमोरी। एक टर्म आप यूज लेते हैं वो है वर्किंग मेमोरी। ये क्वेश्चन कई बार हमारे सामने आता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब ये हुआ कि आप लैब में खड़े हुए हो और आपने लैब में एक प्रैक्टिकल को एक ढंग से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने आपको बोला कि नाउ दिस इज योर टर्न टू डू दिस, तो आपने जो उसको देख के, उस प्रैक्टिकल को देख के जो रिपीट किया प्रैक्टिकल, वो क्या कहलाया, वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी किस चीज का पार्ट है, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये आपके जजमेंट में हेल्प करती है। जजमेंट किस तरीके का जजमेंट, कि जो मोटर एक्टिविटी आप करने जा रहे हो उस मोटर एक्टिविटी का आउटकम क्या होने वाला है, मतलब कि कौन सी चीज आपको करने से गुड है, कौन सी चीज बैड है, या कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इसको करना है तो इसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा। तो वो जो प्रेडिक्शन है उस एक्टिविटी को करने से, उसका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो हम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपको क्या क्या याद रखना है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कौन सा एरिया है, एडजेसेंट टू द फ्रंटल पोल एंड द इंफीरियर सरफेस। दूसरा, ब्रॉडमैन्स नंबर 9 to 12 होते हैं। तीसरा, इसके अंदर दो बेसिक हम पार्ट पढ़ते हैं, डॉर्सो लैटरल सरफेस एंड ऑर्बिटो फ्रंटल सरफेस। चौथा, ये जो ऑर्बिटो फ्रंटल सरफेस है इसका कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम से होता है और इसका जो मेन कंसर्न है वो पेशेंट के बिहेवियर एंड इमोशन से रिलेटेड है। अगर इसमें डैमेज होता है तो जो पर्सन है वो एंटी सोशल हो जाता है, उसका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है और लैंग्वेज में वल्गैरिटी आ जाती है। और ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये वर्किंग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी यू आर एबल टू परफॉर्म द टास्क, ठीक है। अगर इसमें डैमेज हो गया तो आप वो टास्क देखने के बाद उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दूसरा, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये कोई भी मोटर एक्टिविटी के प्रिडिक्शन के लिए हेल्पफुल है, यानी उसमें क्या हमारे लिए गुड है, बैड है, क्या उसका फ्यूचर प्रिडिक्शन है, उस मोटर एक्टिविटी का क्या आउटकम होगा, ये प्रिडिक्शन हम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रंटल लोब, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब आता है जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ब्रेन का, दैट इज नोन एज ब्रोकाज एरिया। जो लास्ट फंक्शनल एरिया है फ्रंटल लोब का वो है ब्रोकाज एरिया। ये जो ब्रोकाज एरिया है ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस में मिलता है। ये कहां मिलता है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। तो ये जो आपका ब्रेन है इस फ्रंटल लोब में, यहां पे ये है सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। इस इंफीरियर फ्रंटल गायरस में यहां पे आप इस तरीके के दो एक्सटेंशन देखते हो विच आर कमिंग फ्रॉम द लैटरल सल्कस। ये जो लैटरल सल्कस है इसकी दो रेमाए हैं, एक और एक कहलाता है एंटीरियर रेमाए, एक कहलाता है एंटीरियर असेंडिंग रेमाए। इन रेमाए की वजह से यहां पे तीन पार्ट जनरेट होते हैं, 1, 2 and 3, ठीक है। इस एरिया में जो नाम है, ठीक है, जो हम इसका जब ग्रॉस पढ़ेंगे देन विल स्पेसिफाई दैट एरियाज। सो यहां पे पार्स ऑपरक्यूलरिस, ये जो एरिया है पार्स ऑपरक्यूलरिस, इसके साथ पार्स ट्राइंगुलरिस, इन एरियाज में क्या होता है, ब्रोकाज एरिया। यहां पे क्या होता है, ब्रोकाज एरिया। और ब्रोकाज एरिया इज नोन एज मोटर स्पीच एरिया, और इसको नंबर देते हैं एरिया नंबर 44 and 45 एज पर द ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन।
ठीक है। सो लोकेशन समझ में आ गई कि ये कहाँ होता है, डोमिनेंट हेमिस्फीयर में होता है पहली चीज। दूसरी चीज इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है। इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस में मोर स्पेसिफिकली पार्ट्स ऑपरक्यूलरिस एंड पार्ट्स ट्राइंगुलरिस में होता है। और इसको ब्रॉडमैन्स नंबर क्या देते हैं, 44 एंड 45। अब ये काम कैसे करता है, देखो इसको काम करने के लिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज सुनी, यानी ईयर में जो वर्ड गया वो कहाँ गया, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से उसका कनेक्शन ऑडिटरी कॉर्टेक्स का कहाँ है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया में। नाउ यहाँ ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया में क्या हो गया, उसका इंटरप्रिटेशन, जो आपने सुना उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। इंटरप्रिटेशन होने के बाद ये आगे कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द वर्निक्स एरिया, इट विल गो टू द वर्निक्स एरिया। नाउ वर्निक्स एरिया जो होता है वहां पे इसका कॉम्प्रीहेंशन होगा, क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन होने के बाद ये जाएगा ब्रोकाज एरिया में थ्रू ए कनेक्शन इज नोन एज आर्कुएट फाइबर। आर्कुएट फाइबर्स आर द फाइबर्स दोज कनेक्ट दिस वर्निक्स एरिया विद द ब्रोकाज एरिया। और ये ब्रोकाज एरिया कहां पे है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। अब ये जो ब्रोकाज एरिया ये करता क्या है, आपने जो भी चीज सुनी उसका इंटरप्रिटेशन होके कॉम्प्रिहेंशन हुआ वर्निक्स एरिया में, और ये जो फाइबर्स हैं इन फाइबर्स से ब्रोकाज एरिया में इनिशिएशन हो गया। ये इनिशिएट करती है मोटर एक्टिविटी को, कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी को, जिससे हम स्पीच प्रोडक्शन कर सकें। सो उसका रोल कहां पे है, ब्रोकाज एरिया का रोल कहां पे है, इनिशिएट द कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी विच रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। अब यहां से जो ब्रोकाज एरिया है अल्टीमेटली इससे फाइबर कहां जाएंगे, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन होना है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का फंक्शन है, और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स फिर कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स के थ्रू क्रेनियल नर्व्स के न्यूरॉन्स पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है, और हम बोल पाएंगे, आवर स्पीच विल कम आउट। तो अगर आपने कुछ सुना और उसका अगर आपको जवाब देना है, स्पीच प्रोडक्शन करना है, तो वो ऐसे काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ रादर देन थ्रू दिस वर्बल स्टिमुलाई, अगर आपका विजुअल स्टिमुलाई है, यानी अगर आपने कुछ चीज पढ़ी और पढ़ने के बाद आपको उसका जवाब देना है, तो भी क्या होगा, स्टिमुलाई प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से फिर एसोसिएशन एरियाज में जाएगा, सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स जिनको हम बोलते हैं, वहां से फिर वो वर्निक्स एरिया में आएगा जहां कॉम्प्रिहेंशन होगा, और फिर द सेम थिंग विल गो ऑन। तो अल्टीमेटली जो ब्रोकाज एरिया है, ये ब्रोकाज एरिया क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी फॉर द स्पीच प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है, और इसकी प्रोग्रामिंग प्लानिंग फिर कहां होती है, मोटर कॉर्टेक्स के दूसरे एरियाज में होती है, और फिर फाइनली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से उसका कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स के थ्रू हमें आउटपुट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ब्रोकाज एरिया है, ठीक है। तो अगर इस ब्रोकाज एरिया में इंजरी होगी तो पेशेंट को एफेजिया हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि पेशेंट की मसल्स तो नॉर्मल हैं, आपका जो ये लैरिंग्स और ओरल कैविटी की मसल्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे इनिशिएशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, एफेजिया, ठीक है। तो ये एफेजिया। अच्छा, एक और एरिया है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इसके अंदर भी ऐसा पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट एफेजिया इज अकर बिकॉज ऑफ द इंजरी ऑफ ब्रोकाज एरिया एज वेल एज सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का एक रोल और है, एक रोल और क्या है कि ये भी कहीं ना कहीं हमारी मोटर दिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है स्पीच की, बिकॉज जो ये फाइबर्स हैं ब्रोकाज एरिया के इनिशिएट होने के बाद प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग के लिए सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में जाते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे जो ये कड़ी है ये कौन सी है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, यानी इनिशिएशन हुआ ब्रोकाज एरिया में और उसकी जो प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग होगी वो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में होगी, और फिर यहाँ से फाइबर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो इट इज सैड दैट इफ देयर इज अ लीजन इन द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और इन द ब्रोकाज एरिया द पर्सन विल हैव एफेजिया।
द पर्सन विल हैव एफेजिया. थैंक यू.